अब विशेष जो दीक्षा प्राप्त करने वाले भी बैठे हैं उनके दिन तत्रादो आप सभी भी और विशेष दीक्षा लेने वाले तत्रादो गुरु प्रार्थिएतासमान सिद्धाश्रम समस्त ऋषि मुनिय ताम पूर्वत्व पूर्णता निमित्तम स गुरु प्रार्थिएतासमान गुरुर्वैस्ताम पूर्वतमेव सिंधुम अथात्मान पूर्व सचिंत्यम सचिंत्यम गुरुर्वै प्रणम्यम सदा रूप नित्यम मदे पूर्व नित्यम हृदय स नित्यम दिव्यो मदान पूर्व मदेव रूपम तुभ्यो सचिंत्यम मदवे वदन्तु ज्ञानो मतां पूर्णमदैव सिंधुम गुरुर्वै प्रणम्यम सदा देव सिंधुम अचोहम मताहम वदन्तं वदान्तं सदेवं सचिंत्यम सुनित्यं सदेवम् अहो पूर्व रूपम ऋषियो मुनिभ्यो सिद्धार्थमोऽयम् गुरुवै नामि तां गुरुवै प्रणम्यम् सा साष्टांग दण्डवत् सहितेन प्रणम्य तां पुरा विशेष दीक्षायां प्रारभते सा तुभ्यं संवर्धे अथास्मानं सा तुभ्यं संवर्धे ता पूर्वा सा तुभ्यं संवर्धे एक विशेष दीक्षा प्राप्ति शक्तिपाते न तुभ्यं संवर्धे विशेष दीक्षा का मतलब है कि मैं शक्तिपात के माध्यम से विशेष दीक्षा दूं। अभी आप सीधे बैठ जाएंगे और ये हाथ है, ये अंगूठा है, ये तीसरी उंगली है, इस उंगली के जड़ में ये अंगूठा रख करके थोड़ी उंगलियां मोड़ देंगे, ये मुद्रा होनी चाहिए आपकी। और ऐसा इसी प्रकार इधर भी ऐसा, और ये नाड़ियां इस घुटने के ऊपर रहनी चाहिए, इस प्रकार से आप बैठ रहे हैं। सीधे बैठिए आप, मिले नहीं, निष्कंप भाव है। निष्कंप का मतलब है कि सांप भी आपके ऊपर चढ़े तो आप विलय नहीं कर सकोगे, और आंखें बिल्कुल खुली हो और आंख झपके नहीं, आप उतना ही शक्तिपात प्राप्त कर सकेंगे जब तक आंख नहीं झपकेगी, झपकने के बाद में तो क्षण खत्म हो जाते। इसलिए पहले तीन चार बार आंखें बंद करके उसको विश्राम दे दीजिए, उसके बाद आंख खोलिए तो थोड़ी ज्यादा खुली रह सकती है। अब सीधे बैठ जाए, अब मैं शक्तिपात का मतलब ये नहीं है कि आप वहां दिखाई नहीं देता मेरी आंखें, इससे कोई मतलब नहीं है। शक्ति का मतलब ये शक्ति प्रवाहित हो रही है, आप उसको एक्सेप्ट कर सके, बस इतनी सी बात है। शक्ति तो सूर्य की शक्ति प्राप्त हो ही रही है, आप जितनी एक्सेप्ट कर सके, चंद्रमा की शक्ति भी प्राप्त हो ही रही है, वो तो आप कितनी ग्रहण संवेदनशीलता आपके शरीर में उस पर डिपेंड है, और संवेदनशीलता आंखों के माध्यम से और हथेली के माध्यम से प्राप्त होती है। तत्रायाम पूर्वा विशेष दीक्षायाम समस्त शिष्य मुन्य उपस्थित अनुपस्थित समस्त शिष्येणा ताम शक्तिपातेन सातव्यम एदमर्चितम भाव निखिलेश्वर नाम की मम हृदय मम प्राणे साम चैतन्यम ता शक्ति प्रवाह ऊर्जस्विताम सा मम शिष्यत्वम पूर्णत्व पूर्ण कुंभेन प्राप्त दीक्षा प्राप्तुभ्यम समस्त चैतन्य दीक्षायां सत्म शक्तिपातेन तुभ्यम संप्रदे अस्थिर भोजन ओम पूर्वासा चिंतियामी कल्याण ताम समस्त स्वभावी पूर्वासनी टोटाम साम एंग एंग चाम पूर्वासा चामुंडे चंद घाती चारिंग कारिंग देव दिन के चार ताम पूर्वा अतासाम धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम भी धूम वाक धीश्री कान क्रीम कुम काली के देवी शांत सी सुन सुंगरू हुम 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 का रूपने राम भीम धूम भैरवी भगवान के अवतार पूर्वासन में स्फोट है स्फोट भया विद्वास पूर्वासन जागृत जागृत टोट है टोट है सदीपताम सदीपताम सा चैतन्यम परिपूर्णासन से कल्याण तम तेजस्मानम सब स्फोट पूर्वासा समस्त पाप ताप शोक दुख दारिद्र निमाना साय समस्त सुख सौभाग्य निदान पूर्वासमानम मम शिष्यत्वम एतद् मानव सा निश्चित स्वामी पूर्वासा चिंतियामि कल्याण तम तपस्या मानम पूर्वा सा चिंतियामि कृति पूर्वा सा चिंतियामि दुखदा पूर्वासा चिंतियामि कृति पूर्वा सा तुभ्यम एतद् मानम सा नेति दर्शनी ज्योतिर्वरूपेण सा सूर्य स्वयं हृदय स्थापित तत्रादु विस्फोटे तत्रादु प्रकाशे तत्रादु चैतन्य तत्रादु समस्त देवताभ्यो हृदय स्थापिता पूर्व अथास्मान स शक्तिपातेन एतस्मान् सद्वृत्ति नैशिष्यत्वम् पूर्ण शक्तिपात प्राप्ता निमित्तम् स ईषुजाम् सद्वृत्तम् इदमचितम् बोधयति पूर्वा सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे महाकाल साक्षिणे ताम् पूर्वा सद्वृत्तम् इदमचितम् बोधयति पूर्वा कल्याणम् सद्वृत्तम् रूपे पूर्वा सा यत् पूर्वा स पिरुषे सा पूर्वा सा चित्तम् चित्तम् संपर्दे तत्पदुक्तम् ओंकार ध्वनिं प्राप्येत आप जोर से मेरे साथ ओंकार ध्वनि बोलेंगे हरिः ओम्
मान्याम पूज्याम गुरुत्व रूपेण साम दया तथा पूर्वासी कृपा पूर्वकेण सा समस्त दीक्षायाम प्रारब्धते सा विनय पूर्वकम मम शिष्यत्वम मम देह प्राण मम चक्षु मम नेत्र मम समस्त शरीरेभ्यो त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञाम परिपालय त्वाम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण समस्त शरीरेभ्यो त्वाम आज्ञामसि मम शक्ति रूपेण आप सन्ति पूर्वा गुरु ममरे स्थापितम ता पूर्वा छद्रवच में अब वहीं बैठ बैठे प्रणाम कर लें जैसे गुरु को प्रणाम किया जाता है, झुक करके जमीन पर आपका सिर लगे तो और ज्यादा अच्छा है। अब आप मैं निमोई आपको कार्यक्रम समझा देगा, इसलिए आप चरण छूने के लिए उठेंगे नहीं, अपनी जगह हिलेंगे नहीं, निष्कंप भाव से बैठे रहेंगे। रब मौका आएगा जब आप चरण छुएंगे। मैं तो चाहता हूं आपके खुद के चरण इतने महान हो जाए कि लोग छूएं, मेरे चरण छूने से मतलब नहीं। कोई यहां से लेकर मैं आपसे घबराता बहुत। बनियान करने में बनियान खोल दीजिए, दुपट्टा नहीं है दुपट्टा ला करके ओढ़िए आप, उसके बाद बैठिए। इस तरीके से नहीं बैठा जा सकता, ये गलत तरीका है तुम्हारा। लक्ष्मीर्वतां पूर्वसरूपम् शिवमेकधान्यां भरतं मनुमति। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर जब एक साधक और शक्ति का समन्वय का दिन है, जहां एक माया और एक ब्रह्म का परस्पर मिलने का स्वयंवर रचाने का दिन है, वह दिन जब अपने आप में
इस माया का आवरण हटा करके पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त करने का दिन है। ऐसे ही शिवरात्रि के अवसर पर भगवान महाकालेश्वर और जगत जननी मां पार्वती, भगवती लक्ष्मी और जीवन के समस्त पुण्यों को उदय करने वाली उस आराध्या पराम्बा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इन शिष्यों के जीवन में पवित्रता, दिव्यता, चैतन्यता आवे, ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा है। इस सूत्र के इस श्लोक में दो तीन बातें ध्यान रखने की हैं, क्योंकि यह समय का वचन का नहीं है, केवल आप जो आगे क्रियान्विति करने जा रहे हैं, क्रिया करने जा रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं। हम उस पारदेश्वर की स्थापना, पूजन, अर्चन, चिंतन, मनन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में भगवान ब्रह्मा ने स्वयं अपने चारों मुंहों से उनकी स्तुति करते हुए कहा है कि वह अपने आप में ही चैतन्य है, क्योंकि उसके चार मुंह से चार वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि चारों वेदों का प्रारंभ भगवान शिव के पारदेश्वर के अर्चन से हुआ है और उन चारों वेदों का समापन भगवान पारदेश्वर के अर्चन से ही संपन्न हुआ है। यह एक विचित्र सत्य है, तथ्य है कि अगर हम यजुर्वेद को प्रारंभ करें, इखेत वोर जेतवाम वायु सदैव सविता, तो उन्होंने सबसे पहले इस बात की स्तुति की है कि मैं जो समस्त संसार का वीर्य है, ब्रह्म है, चैतन्यता है, उज्ज्वलता है, प्रखरता है, प्रकाश है, उस प्रकाश को समग्र भूत से पूंजीभूत करके जिस पिंड की रचना हुई है वह अपने आप में पारदेश्वर है। और उस पारदेश्वर जो क्षय नहीं होता, पारा समाप्त होता ही नहीं, पारे को आप जलाओ तो समाप्त नहीं होता, उड़ाओ तो समाप्त नहीं होता, पारे के टुकड़े कर दे तो समाप्त होता ही नहीं, पारा तो दूसरी चीजें तो समाप्त होती हैं, पत्थर अपने आप में रेत बन जाता है, खत्म हो जाता है, दूसरी कोई भी चीज का क्षरण हो जाता है, पर पारद का क्षरण होता ही नहीं। और फिर उसको पूंजीभूत करके, पुष्टिभूत करके एक रस की उत्पत्ति करना, वो अपने आप में ही पवित्र है, वो अपने आप में ही चैतन्य है, वो अपने आप में ही दिव्य है, क्योंकि चारों वेदों का प्रारंभ, चारों वेदों का सार, चारों वेदों का पूंजीभूत स्वरूप अपने आप में पारदेश्वर है। और उन्होंने उस पारदेश्वर में ऐसी कोई स्तुति नहीं की कि वो भगवान शिव है, उन्होंने कहा कि वह जिसके घर में स्थापित है वो अपने आप में ही पूर्ण प्राप्त है, क्योंकि माया और ब्रह्म का पूर्ण समन्वय है। व्यक्ति के जीवन में दो चीजें रह सकती है, माया रह सकती है, ब्रह्म रह सकता है, या दोनों का समागम रह सकता है। जब आप ध्यानस्थ हो तब आपको ब्रह्म के दर्शन हो, और फिर आप गृहस्थ हो जाएं तो फिर आपके सामने शोक, दुख, पत्नी, पुत्र, बंधु, मांडव, नौकर, चाकर, यह सब कुछ होगा, यह माया का आवरण है। मगर हम माया के आवरण को भेद नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते, हम माया में लिप्त हो जाते हैं, और माया अपने आप में एक वैश्या की तरह होती है जो मन को, मस्तिष्क को भ्रमित कर देती है। वो एक बुद्धि है जो मस्तिष्क को सत्यानाश कर देती है, वो ब्रह्म तक पहुंच नहीं देती, वो कहती है क्या होगा इससे, ये स्थापन करने से क्या हो जाएगा, नहीं स्थापन करने से क्या हो जाएगा, सत्य तो मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है, मैं जिंदा हूं। ऐसे भोगवादी व्यक्ति क्षणांश होते हैं, ऐसे गलियों में सैकड़ों मर गए हैं और सैकड़ों मर रहे हैं, उनके नाम आपको हमको याद ही नहीं है। जिस गली में भी आप जाएं और उस गली में यदि आप 100 साल का इतिहास देखें तो उस गली में कम से कम 100 व्यक्ति तो मरे ही होंगे पिछले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में, उनके नाम किसी को याद नहीं है, क्योंकि वे भोगवादी थे, वे केवल मायावादी थे। मगर जिसके घर में पारदेश्वर स्थापित है उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसके घर में ऋण नहीं रह सकता, कर्जा नहीं रह सकता, उसके घर में दुर्भिक्ष नहीं आ सकता, उसके घर में पीड़ाएं नहीं आ सकती, उसके घर में माया का आवरण नहीं रह सकता, वो अपने आप में चैतन्य बन जाता है, शुद्ध बन जाता है, परिष्कृत बन जाता है।
ऐसा ऋग्वेद के प्रारंभ में, यजुर्वेद के प्रारंभ में और सामवेद अथर्ववेद के प्रारंभ में कहा है।